पूरे मामले को लेकर एडीजी डी श्रीनिवास ने हमारे सहयोगी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि पूरे मामले में दो और लोगों को सह आरोपी बनाया गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी डी श्रीनिवास वर्मा जी, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से जो कार्रवाई है वो चल रही है, क्योंकि लगातार अभी भी कुछ ऐसे बदमाश हैं, जो ऐसे शिकारी हैं, जो अभी भी फरार चल रहे हैं। हालांकि दो का इनकाउंटर हुआ है, दो को पैरों में गोली लगी, उनका इलाज चल रहा है। बाकी कितने आरोपी हैं अभी तक, कितने फरार चल रहे हैं, उनको लेकर सर कितनी तैयारी अब की है पुलिस ने पकड़ने के लिए? जो आरवन थाना क्षेत्र अंतर्गत जो 13 तारीख रात की जो घटना घटित हुआ है, उसमें कुल जो घटना में लिप्त आरोपी जो 7 में से अभी भी 3 फरार है। इसके अलावा जो आरोपियों को जो संरक्षण दिया है, उनका पहले डेड बॉडी छिपाने में जो मदद की है, और जो हथियार जो लूटी गई पुलिस की उसमें जो उसको छिपाने में जो मदद की, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, वो अतिरिक्त आरोपी बनेंगे। तो लगातार पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी है। ये आरोपी गणों को हमने पकड़ने के लिए लगभग 10 टीमें मैदान में लगाए हैं, और उम्मीद करेंगे कि पुलिस को जो है अच्छी सफलता मिलेगी। सर, क्योंकि काफ़ी जंगल का इलाका है, घने घने जंगल बने हुए हैं, एसटीएफ भी लगातार जो मॉनिटरिंग है वो कर रही है, जिला पुलिस बल भी कर रहा है, तो क्या अब ये जो टीम है ये और भी आगे बढ़ेगी जंगल की ओर, क्योंकि घने जंगल काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसे में ये माना जा सकता है कि जंगल के अंदर ये जो आरोपी हैं छुपे रह सकते हैं? हमारे पास जो टीम है वो जंगलों में भी लगी है, और हमारे जो सोर्सेस है वो भी लगे हुए हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उस हिसाब से हमारा टीम्स भी कार्रवाई कर रही है। तो मेरा हमेशा ऐसे मानना है कि मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यानी जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्त में होंगे पुलिस? बिल्कुल। तो जंगलों के अंदर भी जो पुलिस की टीम है वो लगातार मूवमेंट कर रही है, और भी आगे मूवमेंट करेगी, और जिस प्रकार से साक्ष्य छुपाने और साथ ही साथ जो बदमाश थे उनकी मदद करने में जितने लोगों के नाम सामने आए हैं उन्हें भी सह आरोपी बनाया जाएगा और उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। विजिलेंस अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गुना।